श्री राम। श्रीमती संगीता आजाद जी, धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे रूल 193 के तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भगवान श्री रामलला 500 साल बाद तिरपाल से निकलकर अपने घर में स्थापित हुए हैं। मैं और मेरे क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ की तरफ से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्रदेश है और उस विशाल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है आजमगढ़, जहाँ एक तरफ काशी है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ गोरखनाथ है, तो बीच में है आजमगढ़। पूर्वांचल का दिल है आजमगढ़, जहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, मंदिर की घंटी है, मस्जिद की अजान है आजमगढ़, कैफी आजमी की शायरी है और महापंडित राहुल सांस्कृतायन की नगरी है आजमगढ़। सती अनुसुईया के तीनों पुत्रों चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है आजमगढ़। यह वो धरती है जहाँ महाभारत काल में सांपों को मारने का यज्ञ राजा जन्मजय ने किया। यह पावन अवंतिकापुरी धाम है आजमगढ़। यहाँ गुरु नानक के 8वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह साहेब की चरण पादुका है। यहाँ माता सती की जंगा जहाँ गिरी है, वह पावन परमेश्वरी शक्तिपीठ है आजमगढ़। कहते हैं जब राम जी वनवास गए तो यहीं टोंस नदी के कौल घाट पर गणेश जी की मूर्ति बनाकर गणेश पूजन कर उन्होंने अपना वनवास का प्रारंभ किया। ऐसा बड़ा गणेश मंदिर है आजमगढ़, बाबा भवरनाथ का पावन मंदिर है आजमगढ़। कुछ काफिरों ने मेरे शहर को बदनाम भी किया, लेकिन उस बदनामी में भी आबाद है आजमगढ़। यहाँ अमन है, प्यार है, भाईचारा है, खुशहाली का नाम है आजमगढ़। मुझे गर्व है कि मैं उस ऐसी धरती से आती हूँ जिसने देश को साइंटिस्ट दिए, IAS दिए, इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर्स दिए, मंत्री दिए और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक दिया। जय हो आजमगढ़। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम सदन है, लेकिन एक नई शुरुआत है आजमगढ़। मैं एक विनती के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि जो विकास की गंगा काशी से लेकर सरयू तक जा रही है, उसमें तमसा और घाघरा को भी शामिल करें, मेरे शहर को काशी और अयोध्या सर्किट से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन और रोज़गार के दरवाज़े खुले, लोगों का पलायन रुके और मेरी शहर की तरक्की हो। और मैं सरकार को एक और बधाई भी देना चाहती हूँ कि हाल ही में किसानों के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। साथ ही मैं मांग भी करती हूँ कि माननीयवर कांशीराम साहब को और मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन करोड़ों दलितों, शोषितों, गरीबों और सर्व समाज को उस एक वोट की कीमत समझाने का काम माननीयवर कांशीराम साहब और माननीयवर मुलायम सिंह जी ने किया। अपने वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंच सकते हैं, समाज में चेतना जगाने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि माननीयवर साहब को और माननीय मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी लोकसभा लालगंज की जनता की भी आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे अपनी आवाज़ बनाकर यहाँ तक भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजमगढ़। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी।